हेलो एफएम बैतूल। हेलो एफएम बैतूल। जी नमस्कार, मैं आरके नकुल बोल रहा हूँ। आर के नकुल जी बात कर रहे हैं। आर के नकुल जी कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं भोपाल से बात कर रहा हूँ। भोपाल से बात कर रहे हैं आप? आर के नकुल जी, पूरा नाम तो बताइए। जी मेरा पूरा नाम है राजकुमार नकुल। राजकुमार नकुल जी, जी तो कैसे हैं आप? जी मैं तो बढ़िया हूँ। भोपाल में बहुत पानी गिर रहा है सुना है। हाँ भोपाल में भी बारिश का मौसम है, स्टार्ट हो गया है। अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि वहाँ काफी अच्छी बरसात हो गई, तो ये बताइए कि आप क्या करते हैं? जी मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ। आप असिस्टेंट इंजीनियर हैं? एमपी इंजीनियर। हाँ, कैसे चल रहा है इन दिनों कामकाज? इन दिनों कामकाज बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है। अभी कल से थोड़ा सा मौसम बारिश का हो गया है, तो बारिश में हम लोग की थोड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, इन दिनों तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। हालांकि बारिश के पहले हमारा रखरखाव वाला कार्य पूरा हो जाता है, मेंटेनेंस का कार्य, अच्छा, ताकि बारिश में आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन फिर भी जब हवा धुंध आती है तो आप? हवा धुंध आती है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, 5-10 मिनट के लिए फिर पुनः। तो नकुल जी ये बताइए, आप बैतूल से कैसे रिलेटेड है? जी बैतूल से मेरा नाता रहा है करीबन 11 साल से, 10-11 साल तक मैंने बैतूल में काम किया है एमपीईबी में। अच्छा, तो बैतूल टाउन में कार्य करता था, तो बैतूल के आसपास के इलाकों में मैंने काम किया है, जैसे चिचोली आपका, अच्छा, आमला हो गया चिचोली, अच्छा, और मुल्ताई क्षेत्रों में मैंने काम किया। ये कब की बात कर रहे हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 से लेके 2022 तक की बात कर रहा हूँ। एक दशक बिताया आपने? एक दशक लगभग मैंने बताया वहाँ। तो भाई इन दिनों आप वहाँ हैं भोपाल में? इन दिनों में वहाँ हूँ और बैतूल की काफी यादें लेके आया हूँ, और बैतूल वासियों से मेरा काफी नाता रहा है, और बहुत अच्छे स्वभाव के लोग हैं बैतूल, ये कहना सही है। अच्छी बात है, आपको यहाँ के लोग अच्छे लगे। भोपाल एक राजधानी है, तो भोपाल में राजधानी के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। बिल्कुल, बैतूल एक बड़ा जिला है और बैतूल के उपभोक्ता बहुत अच्छे थे। हाँ ये भी है। एक सबसे अच्छी बात बैतूल के उपभोक्ताओं में ये थी कि समय में अपना बिजली का बिल भर देते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो नकुल जी बताइए, आज कौन सा गीत सुनवाना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को? मैं सुनना चाहता हूँ मैंने प्यार किया का गाना है। अच्छा, जाते हंसते गाते एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाजों में। ठीक है नकुल जी, आपसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा। और हेलो एफएम बैतूल। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार, अपना नाम बताइए। अंजलि सांबरे बोल रही हूँ सर, घोरा डोंगरी से। अंजलि जी बात कर रही है घोरा डोंगरी से? जी। क्या करती हैं आप अंजलि जी? कॉलेज। कौन सा ईयर है और क्या फैकल्टी है? सेकेंड ईयर है। अच्छा, बीए है। बीए है, आप रहती कहाँ है? घोरा डोंगरी कॉलेज बगदोना। तो पढ़ाई कैसी चल रही है इन दिनों? अभी तो ठीक ठाक चल रही है, अभी तो कॉलेज में जा रही हूँ मैं। अच्छा, अपनी पढ़ाई हो नहीं रही है कॉलेज में, तो घर पर है? हाँ। घर पर और कौन कौन है? घर पे सारे लोग हैं, मम्मी पापा दादी, बड़े मम्मी पापा, उनके बच्चे। तो आप एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं? हाँ। बड़ी अच्छी बात है, रेडियो भी आप सुनती हैं? हाँ। अच्छा, तो बताइए कैसे गाने पसंद है आपको और आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं? मुझे तो नए भी गाने पसंद है, पुराने भी, मीडियम। अच्छा, आदमी खिलौना है मूवी से मुझे गाना सुनना है, बहुत जताते हो चाह। ठीक है अंजलि जी, लीजिए अब हम आपको सुनवा। हेलो एफएम बैतूल। जी सर। सर मेरा नाम ललन सूर्यवंशी है। ललन सूर्यवंशी। जी सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर बैतूल बड़ोरा। बड़ोरा बैतूल से बात कर रहे हैं आप? जी सर। पढ़ते हैं आप? जी सर। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? पब्लिक स्कूल बड़ोरा बैतूल। अच्छा, इन दिनों स्कूल शुरू हो गए? नहीं सर, अभी होंगे 1 तारीख से चालू। 1 जुलाई से? जी सर। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? सर सेवेंथ में गया इस साल। इस साल आप सेवेंथ में ज्वाइन करेंगे? जी सर। तो ललन जी कौन सा गीत सुनवाए आज आपको? सर आपकी मर्जी से कोई भी। आपको बच्चों के गाने पसंद है? जी सर। तो ठीक, बात कर रहे हैं केरपानी से। हाँ जी सर। कैसे हैं गुड्डू जी? सब ठीक है सर, अब तो ये खेती बाड़ी बनाने का समय आ गया है। बिल्कुल, खेती बाड़ी बनाने का समय आ गया। चालू था लेकिन मैंने छोड़ दिया है हल वल। अच्छा, बैल से ही बना रहा हूँ, बाकी कुछ बना लिया हूँ। अच्छा, कितना एकड़ है? 11 एकड़ है सर। 11 एकड़ है? हाँ, तो बर्री है 7 एकड़ और सिंचाई वाली है 4 एकड़। अच्छा, और पूरे को बनाना है? हाँ, पूरे को बनाना है। और क्या बोएंगे सर? मक्का वक्का बोएंगे, और क्या उड़दा उड़दा है ये बरबटी बरबटी वगैरह। अच्छा, पिछले साल क्या बोया था? पिछले साल सर मक्का ही बोया था, अपने पास तो सोयाबीन बोने रहा हूँ, पीलापन मार रहा है, तो डंपर करके देखा वो बाबूजी से, तो
जमा ही नहीं, वो पीला पड़ गया तो वो हुआ ही नहीं। किसी से सलाह ली आपने? सलाह लिया सर, लेकिन अब ऊपर वाला क्या कर रहा क्या। चलिए कोई बात नहीं, रेडियो तो आप सुनते ही है ना? हाँ जी सर। किसानवाणी कार्यक्रम आप सुनते हैं? हाँ हाँ सुनता हूँ सर। नियमित रूप से सुनिए उसको, चौबीसों घंटे 7 बजे से लगाया, वो 7 बजे से 8 बजे तक मंडी वंडी रेट सब सुन देता हूँ सर। बिल्कुल, उस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। और बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? आज सर ये तुम्हारे हिसाब से जून लग गया है तो उसके हिसाब से गाना सुना देना। और क्या, जून तो भाई खत्म होने को आ गया। खत्म होने तो आ गया, अब तक गया है पर, लेकिन सुना देना। और क्या, चलिए ठीक है, हम आपको इसी महीने से रिलेटेड कोई गाना सुनाएंगे। हाँ, तो अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। परिवार तो सर ठीक है, लेकिन 2 बच्चे है। हेलो FM बैतूल सर, नमस्ते। नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैं उर्मिला प्रजापति बोल रही हूँ सर, शाहपुर से। उर्मिला जी बात कर रही हैं? जी। शाहपुर से बात कर रही हैं आप? हमराज का गाना सुनना है सर। फिल्म हमराज से आपको गाना सुनना है? तुम हमारा साथ देने का वादा करो। अच्छा जी जी, महेंद्र कपूर की आवाज में आपको ये गाना पसंद है? जी। अच्छा, उर्मिला जी क्या करती हैं आप? बस घर का काम करते हैं, मिट्टी इट्टी का काम प्रजापति है। अच्छा, मटके बनाती है? हाँ, मिट्टी बनाते हैं, उसके मटके बनते हैं। और क्या क्या बनाती हैं? अपने तवा है, रोटी बनाने वाले तवा बनाते हैं। अच्छा, बनाते हैं। अच्छा, बेटा है वो बलून का काम करता है, शादी में लगाने का काम करते हैं बलून वगैरह। अच्छा अच्छा, और कौन कौन है? मेरी अनुकी तो शादी होगी सबकी। अच्छा, और हमारे पति है तो वो अपना मटके का काम करते हैं। अच्छा, और क्या बताऊँ सर, सब ठीक है। बेटी ना तो सबकी शादी हो गई है, 5 बेटी की 5ों की शादी हो गई है। अच्छा जी, अब बेटा की शादी करना है तो अभी तो नहीं करेंगे, 2-3 साल करेंगे। छोटा है क्या? हाँ। तो ठीक है उर्मिला जी, लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद का फिल्म हमराज से ये गाना। संगीत है रवि का। हेलो। हेलो FM बैतूल। जी सर नमस्कार। नमस्कार, अपना नाम बताइए। राम सिंह ध्रुवे सर। राम सिंह ध्रुवे जी, जी। कहाँ से बात कर रहे हैं राम सिंह जी? टिगरिया से सर। टिगरिया से बात कर रहे हैं राम सिंह जी? जी। तो राम सिंह जी कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या करते हैं आप? सर मिस्त्री का काम करते हैं। मिस्त्री का काम करते हैं, कहाँ काम चल रहा है इन दिनों? यही गाँव में सर, टिगरिया में। क्या कर रहे हैं आप? सर शेड डाल रहे हैं आज। अच्छा, तो रेडियो सुनते हैं आप? जी सर जी। और परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा है, भाई है। अच्छा, तो बताइए कौन सा गीत आज सुनना है? नदिया के पार। कौन सा गीत? फोन इन कार्यक्रम हेलो FM बैतूल। आज जिन कॉल रिकॉर्ड्स को हमने कार्यक्रम में शामिल किया उनसे हमारा अनुरोध है कि वे अब 2 महीने तक हमें कॉल न करें ताकि दूसरे श्रोताओं को मौका मिल सके, और जिनकी रिकॉर्डिंग शामिल नहीं हुई वे हमें कॉल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप भी अपनी बातचीत के रिकॉर्डिंग के साथ अपनी पसंद का गीत इस कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करिए गुरुवार के रोज सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच इन फोन नंबर्स पर। फोन नंबर्स हैं 0714123194 और 0714123472। इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे संतोष गुजरे और राजा श्रीवास्तव। तो अब इजाजत दीजिए सुमन को, नमस्कार। हेलो FM बैतूल। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो FM बैतूल, आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।